तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप अच्छे होंगे। तो एक रेजुलम की एक नई क्लास में आपका स्वागत है। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल अगर मेरा वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं और मोटिवेशन है और आपको मोटिवेट कर रहे हैं और आपके लिए हर आपके प्रोजेक्ट के लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम एक किसी भी शेप के अंदर, एक रेजुलम में, किसी भी शेप में हम लोग कस्टम बॉर्डर कैसे बना सकते हैं। बहुत ही इजी है। इसके लिए ना तो हमें आफ्टर इफेक्ट की हेल्प की जरूरत है और ना ही मतलब कोई और थर्ड पार्टी प्लगइन या किसी प्लगइन की जरूरत पड़ेगी। सिंपल तरीका है और सिंपल वे में हम लोग बहुत ही फास्ट तरीके से, बहुत ही लग्जरी तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक विजुअल्स डाल देता हूं यहाँ पर। कोई भी आपका आप कोई भी विजुअल्स ले सकते हैं। मैं एक विजुअल्स डालता हूँ, इस टाइप से प्ले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप जाएंगे सेकंड डिस्प्ले पे इस टाइप से और देखेंगे एडवांस सेटिंग में जाता हूँ। एडवांस सेटिंग में जाकर मैं बिल्कुल नए सिरे से शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो आपका ये ध्यान रहे कि जब भी आप इस टाइप का बॉर्डर या कुछ भी आप बनाना चाहते हैं, तो वो ये चीज का ध्यान रखें कि आपका जो है वो स्क्रीन, समझ लो आपके सामने है, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे ही क्रिएटिविटी कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपका कुछ पर्टिकुलर साइज पे आपने करना है ऐसे, तो आप प्लीज उसके जो है वो उसका कंपोजिशन वही रखें जिस आप जिस चीज पे आप जिस स्क्रीन पे जिस साइज पे आप उसको बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ के लिए 9020180 लेता हूँ सिंपली। तो यहां पर मैं जाता हूँ इनपुट के अंदर। इनपुट के अंदर यहाँ पर मेरे पास काफी मास्क बने हुए हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहले हम लोग एक मास्क बनाते हैं हार्ट का, ठीक है। तो मैंने हार्ट का विजुअल मास्क लिया, देन इसको मैंने हार्ट पे लिया इस टाइप से, और ये हम लोग हार्ट का मैं अंदाजे से बना रहा हूँ क्योंकि जो आउटपुट आपका जो यहाँ पर आ रहा है वही आउटपुट आपका स्क्रीन पर भी जाएगा। तो ये ध्यान रखें, आपका आउटपुट भी वही जाना चाहिए स्क्रीन के ऊपर भी, ठीक है। तो मैं इस तरह से एक हार्ट बना लिया मैंने इस तरह से, डन। और मैंने इसको यहां प्लेसिंग करते हैं, इसको करते हैं डुप्लीकेट और एक हार्ट और बनाया। लेकिन इनपुट में जाकर मैं हार्ट की जगह पर इसको राउंड शेप दे देता हूँ इस टाइप से। तो मैंने इसको राउंड दे दिया, थोड़ा ये राउंड नहीं है तो इसको मैं इस टाइप से बना लेता हूँ, ओके। और तीसरा, इसको करते हैं डुप्लीकेट यहां से और यहां पे लेके आते हैं और इनपुट में जाते हैं। इनपुट में जाने के बाद इसको ट्राइंगल बना लेते हैं इसको, राइट। तो ये मेरा एक ट्राइंगल बन गया इस टाइप से। तो मेरे पास अभी जो है वो तीन शेप्स आ चुकी है, ओके। तो अब उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, ट्राइंगल के बाद में इसको करते हैं डुप्लीकेट एंड यहां पर हम लोग बनाते हैं हेक्सागन इस टाइप से। मैंने हेक्सागन बना लिया, ये मेरा ये बन गया। देन उसके बाद इसको भी मैं डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पर लेके आता हूँ। इनपुट में जाकर मैं इस पे क्या करता हूँ, एक बेसिक मास्क बनाता हूँ, मतलब अपने हिसाब से। जैसे मैंने कुछ भी क्या बनाए, जैसे मैं ये बना रहा हूँ इस टाइप से, तो मैंने ये कुछ उल्टा सीधा मास्क बना दिया भाई, पता नहीं है क्या बनाए, चल जो भी बनाए, ठीक है। तो अपना कुछ मास्क इस टाइप से बन गया। इनपुट में जाके देखेंगे तो कुछ अजीब सा बना होगा ये, ठीक है। तो इसकी साइज को भी आप बड़ा छोटा जैसे अपना हिसाब से करना चाहो इसको कर सकते हैं, राइट। तो ये मेरे पास 1 2 3 4 एंड 5 मास्क आ गए। आप अपने तरीके से जो मर्जी मास्क बना सकते हैं। तो मैंने इसको कर दिया सेव यहाँ पर। तो मेरे पास ये जो यहाँ पर स्क्रीन 1 मैंने जैसे सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर मेरे पास ये जो मास्क है वो बन के
रेडी होके आ गए हैं, ठीक है। आप इन मास्क की जगह पर एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे सॉलिड कलर भी डाल सकते हैं इस तरह से, तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा इस चीज को देखने में, ठीक है। तो ये मैंने इससे किया, उसके बाद में क्या करता हूँ, स्क्रीन वन से लेके यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और यहां से मैं इसको स्नैपशॉट ले लेता हूँ उसका, ठीक है। तो मेरे पास एक स्नैपशॉट आ गया इस टाइप से। तो इस स्नैपशॉट को क्या करते हैं हम लोग, शो एंड एक्सप्लोर, तो मेरे पास जो है वो ये रहा इसका स्नैपशॉट। तो इस स्नैपशॉट को मैं सिंपली ड्रैग करता हूं आपके फोटोशॉप के अंदर इस टाइप से, ठीक है। तो मेरे पास ये, आपके पास ये आ गया। तो अब मैंने क्या करना है, अपने सिंपल अपने जो कीबोर्ड से कंट्रोल और अल्ट को प्रेस करना है और यहां पर इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे मैं पिक्चर के ऊपर क्लिक करूंगा तो इसने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया। तो ध्यान दें, कंट्रोल और प्लस अल्ट, कंट्रोल अल्ट आपने प्रेस करना है, राइट। एंड आपने यहां जाना है एक टुप्रियर लेयर में, यहाँ पे आप इसको जो है इसके डायग्राम को बंद कीजिए और यहां से आपने इसको सिलेक्शन करना है रेक्टेंगल टूल को, और ये इसमें किसी भी जो लाइन है इसके ऊपर राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद आप चले जाएं स्ट्रोक के अंदर। स्ट्रोक में जाने के बाद यहाँ आप कलर फिल करें व्हाइट और विथ आप वो फिल करें जितने थिकनेस आपको अपने बॉर्डर की चाहिए, ठीक है। तो मैं 15 पिक्सल करता हूँ और यहाँ पर पोजीशन जो लोकेशन है वो इनसाइड होनी चाहिए, तो है इसको ओके। तो मेरे पास क्या है कि सेम उसका एक मास्क बन गया है, राइट, इस टाइप से। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फाइल सेव करता हूँ, सेव एच, और यहाँ मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने लोगो में ये फाइल को PNG सेव कर दिया इस टाइप से, राइट। तो मेरा ये काम हो गया बंद और मैं अब ये रेजलूम में जाता हूँ, ओपन करता हूँ। तो रेजलूम में जाने के बाद में मैंने क्लियर टू सेलेक्ट किया, मान लीजिए। तो मैंने क्लियर टू सेलेक्ट किया एंड चला गया अपना, सॉरी, आप लेयर वन सेलेक्ट करें, लेयर वन सेलेक्ट करें, लेयर वन के अंदर जाएं एंड यहां पर आप इसमें सर्च करें MASK मास्क, ठीक है। तो आप मास्क सेलेक्ट करेंगे, यहाँ इमेज के ऊपर लोड करें और यहां से आप उस डिजाइन को उठा लें इस टाइप से, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ चैनल पे आप कर दें इसको अल्फा, राइट। तो ये हो गया क्लियर। अब क्या करें, इस पर कोई भी आप विजुअल्स प्ले करेंगे, जैसे ये विजुअल्स प्ले करेंगे तो आपके पास क्या होगा, उस टाइप का एक मास्क बन के आ जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि अभी मेरे पास क्या है, ये अगर मैं इसको कंपोजिशन करता हूं तो ये देखेंगे मेरे पास सेम उस टाइप का मास्क बन के आ गया है। तो इसको थोड़ा सा स्केल कर लेंगे, तो स्केल करने से क्या होगा, ये आपको जो उसकी क्वालिटी और अच्छी बन के आ जाएगी। अब इस मास्क को यूज कैसे करना है, तो मान लीजिए यहां पर आपके कुछ फाइल्स में, यहाँ आपका मान लीजिए विजुअल्स चल रहा है, ठीक है, ये विजुअल्स चल रहा है और आपने सेम शेप का वहां बनाया हुआ है, तो आपने क्या करना है, यहाँ आउटपुट में जाएंगे, ठीक है। आउटपुट में जाने के बाद यहाँ एडवांस सेटिंग में जाएंगे, एडवांस सेटिंग में जाने के यहाँ पर जाएंगे, स्लाइस करेंगे, स्लाइस करने के बाद यहाँ पर कंपोजिशन में वन फिल कर देंगे, ठीक है। तो वन फिल करने के बाद में क्या होगा, जो आपका जो बॉर्डर है वो इस टाइप का चारों तरफ बन जाएगा। इसको करें आप सेव और यहां से आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन वन पे। तो देखिए मेरे नीचे जो है वो विजुअल्स चल रहे हैं इसके अंदर और साइड में बॉर्डर है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इस बॉर्डर को चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि इसकी क्वालिटी या कुछ भी, ये देखिए, तो ये इस टाइप से चेंज हो जाएगा, राइट। तो इसके चारों तरफ आपका बॉर्डर चल रहा है इस टाइप से। और इस ध्यान है, अगर इसकी क्वालिटी और अच्छी चाहिए आपको तो इसको स्केल जरूर करें इस टाइप से। अगर स्केल करेंगे तो और अच्छा क्वालिटी बनकर आएगी इस बॉर्डर की, ठीक है। तो आप इस बॉर्डर को एज ए मतलब PNG भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी आपके, अब देखा जाए तो आपकी वो PNG बन गई ना। तो जैसे मैं इस पे लेके आता हूँ डेस्कटॉप पे और लोगो में जाता हूँ, तो ये मेरा PNG बन गया एक तरह से, ठीक है। तो इसको मैं एज ए PNG भी यूज कर सकता हूँ, देखेंगे। तो मेरा एक जो है वो PNG टाइप का अभी बन गया, तो एज ए PNG मैं यूज कर सकता हूँ उसको, ठीक है। बैक साइड में जितने आप विजुअल चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन साइड में आपका बॉर्डर इस टाइप से रनिंग में चलता रहेगा। तो आप इस बॉर्डर में क्या होता है कि आप इसके
कलर को या पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए मैंने ये विजुअल्स चेंज किया तो आपका पैटर्न भी थोड़ा चेंज हो गया इस टाइप से। तो आप इस टाइप की वीडियोस को सिंपल तरीके में आप यहां से बना सकते हैं। आपको किसी मतलब आफ्टर इफेक्ट या किसी प्लगइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप एक सिंपल वे में अपनी शेप का जो कस्टम शेप है, चाहे वो हार्ट का है, ट्राइंगल का है, राउंड का है या किसी भी शेप का है, तो उस टाइप का एक वीडियोस बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर जरूर करें। तो मिलते हैं एक ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।